कृषि कानूनों का विरोध इतना ज्यादा है कि आज भारत बंद किया गया है। केंद्र ने 3 कृषि कानून पारित किए, जिसके बाद चौतरफा घिर गई केंद्र सरकार और उसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन भी अब इतना बढ़ गया कि पूरा देश या कहें पूरे देश के विभिन्न, चाहे वो विपक्ष पार्टी हो या अन्य दल हो, वो उनके समर्थन में आ गए हैं और एक तरफ से कह सकते हैं कि लगभग पूरा देश समर्थन कर रहा है किसानों का। लेकिन वही केंद्र सरकार है जिसका अभी तक कोई भी रुख स्पष्ट हो नहीं पाया है और ना ही किसानों की सुध ली गई है। अब इसी के तहत आज भारत बंद किया गया है। अब भारत बंद का क्या आलम है राजधानी जयपुर में, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे आप दुकानों को देख पा रहे हैं कि किस तरह दुकानें बंद हैं। लगभग सारी दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें सिर्फ खुली हुई हैं, वो भी वो दुकानें हैं जो ज़रूरत की हैं, जिन्हें खुला रखा गया है। बाकी अधिकांश दुकानें आपको बंद ही नज़र आएंगी। ये जगह है सबसे पॉश एरिया जयपुर का सोडाला, लेकिन जो हमेशा खचाखच भरा रहता है, जहां हमेशा दुकानें खुली रहती हैं, अधिकांश भीड़ रहती है, आज यहां पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। जिन लोगों को ज़रूरत है वही लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी दुकानें बंद हैं, इस वजह से मार्केट में भी खासी भीड़ नहीं है। अब ये आलम खाली राजधानी जयपुर का ही नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में कुछ ऐसा ही आलम आज देखने को मिला है। पूरे राजस्थान में कुछ ऐसी ही, कह सकते हैं कि जो एक तस्वीर है वो निकल के सामने आई है। वहीं आज अगर बात करें भारत बंद की, तो शांतिपूर्वक भारत बंद की बात कही गई थी। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांतिपूर्वक भारत बंद करने की अपील की थी, लेकिन कुछ देर पहले हाल ही में बीजेपी मुख्यालय पर जब NSUI प्रदर्शन करने पहुंची, तो वहां कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आई। वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो NSUI के कार्यकर्ता थे उन पर हमला बोल दिया और लाठी भाटा जंग तक हो गई। तो कह सकते हैं कि आज एक मिला जुला तस्वीर देखने को नजर आई, जहां एक और भारत बंद व्यापक रूप से देखा गया, खासकर राजधानी जयपुर में। जिस तरह दुकानें यहां बंद हैं, उससे कह सकते हैं कि एक समर्थन मिला है किसानों को, उससे एक जो उम्मीद है किसानों की वो और ज़्यादा सजग हुई है। वहीं जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर भी एक ये चीज़ खड़ी हुई है कि उन्हें भी एक बार विचार करना चाहिए कि क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है देश में, क्यों किसान जो अन्नदाता है, जो एक ऐसा वर्ग है जिसका काम ही सिर्फ अन्न देना है, जिसके भरोसे ही आम जनता के हाथ में 3 वक्त का खाना आता है, रोटी आती है, और उस किसान वर्ग की स्थिति क्यों ऐसी हुई कि आज वो आंदोलन के लिए मजबूर हो गए, आज वो प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये जो ताले लगे हुए हैं, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं इन दुकानों पर, इन तालों पर कई सवाल खड़े होते हैं कि ये ताले किस चीज़ पर हैं। ये ताले लोकतंत्र जो खस्ता हालत में जा रहा है उस पर है, किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है उस पर है, या कोरोना काल में जो किसान परेशान है, बीमार है और उसके बाद भी दिल्ली में डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, उस पर है। तो कई सवाल खड़े होते हैं इसको लेकर। ऐसे में कह सकते हैं कि जो ये एक प्रदर्शन है, जो एक ये भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसकी स्थिति को देखने के बाद साफ होता है कि पूरा भारत समर्थन कर रहा है किसानों का, खासकर राजस्थान की जो स्थिति है उसके बाद स्पष्ट कहा जा सकता है कि राजस्थान में तो भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। द एंगल के लिए कैमरामैन विनोद शर्मा के साथ छवि अवस्थी की रिपोर्ट।